करना चाहा। उन्होंने एक पॉइंट रखा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हम इस मजबूरी से खुदा मानते हैं, खुदा का बेटा मानते हैं कि उनका बाप कोई है। सरकार ने उसके जवाब में कहा कि आदम अलैहिस्सलाम का बाप भी नहीं है और माँ भी नहीं है, और हमारी किताबों में बाकायदा उनका मुसलमान और जिक्र मौजूद है कि वो अल्लाह के पैगंबर हैं, जिसके माँ बाप दोनों नहीं, उनको क्यों आपने खुदा नहीं माना। इस पर बनाए गए थे मुबालक की तारीफ होकर। मुबालक कहते हैं कि जिस वक्त बातचीत के जरिए से बात तय ना हो सके, पूरे मैदान में निकल के तो दुआ करते हैं मौला कि हम में झूठा है उस पर लान दी जो सच्चा उसको सुरू करवाओ। तो इसने सरकार ने उसे दिल कर दिया, और उसके लिए मशहूर हदीस है जमहूर के हाथ में कबूल है और उम्मत उसको तरक्की में कबूल मिला हुआ है कि सरकार सैदा खातम जन्नत को हसन हुसैन को मौला मुर्तज़ा को लेकर निकले थे, और मुकाबले में जो दुश्मन आए वो उस वक्त मुबादा न कर सके। उन्होंने कहा कि कोई दुआ करेगा उस खानदान और उस कौम कौमियत का कोई आदमी बचेगा नहीं। इस पर कुछ लोगों ने ये बात कही कि वो उनसे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके बाल बच्चों को भी ले गए, और हजरत उमर फारूक और उनके बाल बच्चों को भी ले गए, और हजरत उस्मान गनी और उनके बाल बच्चों को भी ले गए। वो सिर्फ ये साबित करना चाहते थे कि अहले बैत का किसी बारे में इम्तियाज नहीं है, उसका मैंने रद्द किया है, और ये साबित किया है कि ये आयत जिस पर सादिक आएगी वो बनुवत से शुरू होगी, जिन पर बेटा होना सादिक आता है उनसे शुरू। वो काफ़ी सही वक्त लाए हैं, आप उसको पढ़े सुने, वो टेप मौजूद है, वो मैंने लेक्चर दिया है यहाँ लूटन में, वो रिकॉर्ड किया साथियों ने, आप वो ले सकते हैं, लेकिन उसका मुताला करें, और कोई भी शख्स उसके बारे में बात कर मेरे साथ उसकी बात करें। आप इस पोजीशन में होंगे अगर उसको चार छः मतलब सुन लें अच्छी तरह आपके दिमाग में बैठ जाए, एक ठोकर भी चला आपकी कोई नहीं सकता। ये बात सच्चाई नहीं है कि और कोई आया था। तालो नदु अब ना आना, आओ कि हम अपने बेटों को बुलाएं, जिन पर बेटा होना साधक है वो आए। सदीक मेरे फारूक उस्मान गनी सरकार के बेटे तो नहीं है, तो इस पर ये बहस है। बड़ी बख्शा बड़ी जिसे उम्मा वाले हैं, ये और कोई है जो भी बात करें बड़े तरीके से आप उससे बात करें, इंशाल्लाह इसका जवाब कोई नहीं है, बहुत मजबूत तरीके से वो सीढ़ी से मिल सकती है। बता दें, बता दिया सब हुसैन साहब अच्छा दिन सब हुसैन की इन्होंने वो सीढ़ी बनाई है, क्या बनाई डीवीडी बनाई है, लेकिन बात की खुदा उसका रसूल से बारे में कोई अल्लाह का बिल्कुल और मजबूत दलाल से जिन किताबों को उन्होंने पेश किया उनके ख्याल नवाजे के लिए।